मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी पार्ट नौ। तो देखिए बच्चों, आपके पार्ट नौ में क्या है? ऋतुएं। तो जो हमारी ये कविता है इसमें किसके बारे में बताया गया है? ऋतुओं के बारे में बताया गया है। तो देखिए, हमारे इस पाठ की या इस हमारी कविता का क्या उद्देश्य है कि विभिन्न ऋतुओं की जानकारी देना और मौसम से जीवन में आए परिवर्तन को बताना और विभिन्न ऋतुओं के वस्त्रों की जानकारी देना। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए हम लोग भी जानते कि हमारे विभिन्न प्रकार की ऋतुएँ आती हैं। तो सबसे पहले किसकी मौसम आता है? गर्मी का मौसम आता है। फिर उसके बाद आपके ठंडी का मौसम आता है, आपके ठंडी की ऋतु आती है, फिर आपकी बरसात की ऋतु आती है। तो आइए हम अपने पाठ में इन तीनों ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। तपता सूरज जलती धरती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाँ सभी के पंखा रहता। देखिए, जब हमारा सबसे पहले कौन सी ऋतु आती है, इसमें वर्णन किया गया है गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु का यानी गर्मी के मौसम का। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो हमारा सूरज होता है तो क्या होता है, तपता रहता है यानी जलता रहता है। देखिए, जैसे आप लोग गर्मी में सुबह उठते हैं ना, तो 6 बजे ये सूरज निकल आता है, 5:30 बजे ही कभी कभी दिखने लगते हैं, 6:45 बजे। तो 6 बजे सूरज निकलता है और जब 7 बजे हम लोग उठते हैं तो 7 बजे सूर्य निकल जाता है और तब से सूरज जो होता है 7 बजे तो फिर भी थोड़ा सा ठंडा होता है, लेकिन 8 बजे से धूप ऐसी लगती है जैसे दोपहर में 12-1 बजे और बराबर धूप रहती है। तो इसमें क्या बताया गया है हम लोगों को गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो सूरज होता है वो तपता रहता है और जो हमारी धरती रहती है तो वो कैसी होती है, जलती रहती है। देखिए, अगर हम अपने नंगे पैर चलें यानी अपने पैर में कुछ भी ना पहने और पैर रखे ज़मीन पर तो हमारा पैर बिल्कुल जल जाता है, यानी एक कदम चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और गर्म हवा, फिर क्या है? अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो गर्मी के मौसम में कैसी हवा चलती, बिल्कुल गर्म हवा चलती है। गर्म हवा चलती तभी तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब गर्म हवा चलती है तो अपना तन यानी अपने शरीर में जो हमारे पसीना चलता है गर्मी के कारण, तो हम उसको कैसे सुखाते हैं यानी हमें ठंडक कैसे मिलता है, तो सब लोग क्या करते हैं, पंखा। आप लोग तो अब तो कूलर का जमाना आ गया है, तो सब लोग कूलर और आपके ये फैन एसी ये सब चीजें चलाने लगे, लेकिन पहले एक बांस के बने हुए क्या आते थे, पंखी आती थी। तो उससे हम क्या करते थे, जब बहुत गर्मी हो जाती थी या लाइट चली जाती थी तो हम लोग उसी पहले के जमाने में इतनी लाइट नहीं रहती थी तो लोग कैसे उसी बांस की पंखी से हवा धोंकते थे। तो अब भी हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है और हमें बर्दाश्त नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब बाहर से कोई काम करके आते तो सीधे कूलर में बैठ जाते हैं यानी ठंडी हवा पाने के लिए। और गर्मी के मौसम में तो हम लोग बाहर ही नहीं जाते, सारा काम यही सोचते हैं कि जब सुबह हो तो ही जल्दी से सारा काम कर लें, क्योंकि उस महीने क्या होता है, वो उस ऋतु में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तब हवा भी आपकी गर्म रहती है, आपकी धरती भी क्या होती है, जलती रहती है और सूरज भी तपता रहता है। नेक्स्ट देखिए, लो घनघोर घटाएं छाई, टप 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 बूंदें आई, बिजली चमक रही अब चम चम, लगा बरसने पानी छम छम। तो घनघोर मींस क्या होता है आपका, घना काला, और घटा मींस बादल। तो क्या कह रहे हैं इस पाठ में कि आपके घनघोर घटाएं यानी घना काला बादल, गर्मी के बाद फिर किसका मौसम आ जाता है आपके, बरसात का यानी वर्षा ऋतु का। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि चारों तरफ बादल क्या हो जाता है, घना काला बादल हो जाता है, यानी चारों तरफ हम लोग आसमान में देखते हैं तो घना काला बादल चारों तरफ छाया रहता है और उससे क्या हो जाती है, उसमें टप 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 यानी धीरे धीरे इससे क्या होती है, बूंदे यानी पानी टपकना शुरू हो जाता है यानी पानी बरसना शुरू हो जाता है। तो आप लोग बरसात में देखे होंगे कि जब आपका बादल ज़्यादा हो जाता फिर कितनी जोरों की बारिश होती है, तो 1-2 घंटे तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। तो फिर जब क्या हो जाता है, आपके बादल से टप टप करके बरसात की बूंदें क्या होती है, ज़मीन में गिरने लगती है।
बिजली चमक रही अब चमचम। फिर जब पानी बरसता है तो आप लोग आसमान में देखे होंगे कि आपकी बिजली भी कड़कती है, जोरों की क्या होती है, आवाज़ आती है, बिजली चमकती है। फिर क्या होता है उसके बाद आपका पानी छमछम बरसने लगता है। तो आइए इसको हम फिर से एक बार समझें कि क्या कह रहा है। बरसात ऋतु में चारों तरफ घनघोर, घनघोर यानी काला घना बादल आपका चारों ओर छा जाता है और टप टप करके क्या होती है, बूंदें बरसने लगती हैं। और चारों तरफ क्या होता है, जब घना काला बादल छा जाता तो चारों ओर बिजली चमकने लगती है। आप लोग भी देखे होंगे कि आसमान में कैसे बिजली आपकी चमकती है, आप लोग डर भी जाते हो उसके चमकने से। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आपका पानी छमछम करके बरसने लगता है। अपने साथ लिए दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली, शाम सवेरे लगती सर्दी, पहनो भाई ऊनी वर्दी। तो ऊनी वर्दी किसको कह रहा है, ये गर्म कपड़ों को कह रहा है। गर्म कपड़े यानी जैसे हमारे स्वेटर हो गए, मफलर हो गए, स्कार्फ हम लोग पहनते हैं, तो ये उन चीज़ों को कह रहा है। तो देखिए आपके बरसात के बाद फिर किसका मौसम आता है, ठंडी का मौसम आता है, यानी ठंडी की ऋतु आती है। तो जब ठंडी आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडी आपकी कब आती, जब आपका दिवाली का मौसम, जैसे इस समय क्या है, दीपावली आने वाली है। तो देखिए अब हम लोगों का मौसम चेंज हो गया, हल्का हल्का सा, देखिए आप सुबह उठिए रात में तो आपका, हम लोगों को अब ठंडी लगने लगी। अब हम लोग अपना कूलर चलाना बंद कर दिए हैं, जब आप लोग कूलर चलाना बंद कर देते तो मान लीजिए दीपावली के बाद ठंडी का मौसम आ गया है। तो इस समय आपका क्या है, ठंडी का मौसम आ गया है। तो जब हमारा ठंडी का मौसम आता है तो वो अपने साथ कब आता है, वो दिवाली के टाइम पे आती है। और क्या करती है, शाम सवेरे लगती सर्दी, तो सुबह सवेरे हमको कैसे लगती है, ज़्यादा ठंडी लगती है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, सब लोग अपने गर्म कपड़े पहनते हैं, जो हमारे पास स्वेटर मफलर स्कार्फ होता है, तो हम ये सारी चीज़ें पहनकर क्या करते हैं, ठंडी का मौसम को हम लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, यानी उसका आनंद लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें तीन तरह की ऋतुओं के बारे में बताया गया है। आपको अब जानकारी हो गई होगी कि मेन ऋतुएं कौन कौन सी कहलाती इसमें, इस पाठ के अनुसार ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का ऋतु पहला, दूसरा आपका बरसात का ऋतु यानी वर्षा ऋतु, और थर्ड आपका शीत ऋतु यानी ठंडी का। तो ये आपका ठंडी का ऋतु हुआ, ये आपकी तीनों ऋतुएं हो गई। इसके बाद आपको क्या करना, ये शब्दार्थ दिया गया है तो इसे कॉपी में लिखिएगा और आप लोग याद करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो जोरों की चलती है, क्या चलती है जोरों की, गर्म हवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्म हवा हो जाएगा। गर्मी में सभी के हाथ में रहता है, तो क्या रहता है गर्मी में, पंखा। तो सेकंड का आंसर पंखा हो जाएगा। थर्ड, चमचम चमक रही है बिजली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगी। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है हमें। तो गर्मी में तन से बहुत पसीना बहता है, ये आपका सही है। चमचम बूंदें टपक रही थी, ये आपका गलत है। और थर्ड नंबर देखिए, सर्दी अपने साथ दिवाली लाई है, ये आपका सही है। और गर्मी में हवा धीरे से चलती है, ये आपका गलत है। फिर देखिए नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, देखिए गर्मी में सूरज खूब तपता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तपता है। सेकंड देखिए, दूसरा नंबर, वर्षा में बादल पानी बरसाते हैं, तो इसका आंसर बरसाते हैं हो जाएगा। ठंड में खूब सर्दी लगती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगती है। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो गर्मी का मौसम कैसा होता है, लोग उस समय पंखा काम में क्यों लाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्मी के मौसम में गर्म हवा चलती है और शरीर में बहुत पसीना बहता है, लोग गर्मी से बचने के लिए पंखे का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए सेकंड, पानी किस मौसम में बरसता है, बताइए। तो
पानी वर्षा ऋतु में बरसता है। फिर थर्ड देखिए, सर्दी अपने साथ कौन सा प्रमुख त्यौहार लाती है? तो सर्दी अपने साथ दिवाली का त्यौहार लेकर आती है। देखिए फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, सर्दी में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? तो सर्दी में अपने जो ये सर्दी में हम स्वयं को ठंड से बचाने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, अगला भाषा की बात है। तो देखिए संज्ञा, इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। तो संज्ञा क्या कहलाता है? तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कार हो गई, जैसे कोई स्थान है, स्थान में क्या हो गया, जैसे पटना हो गया। प्राणी यानी किसी प्राणी का नाम, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए। भाव यानी बुढ़ापा, जैसे ये भाव हो, बुढ़ापा क्या है, एक भाव बता रहा कि वो आदमी क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो तीन तीन हमें संज्ञा के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है, वस्तु। तो वस्तु कौन कौन होती है, मेज, कुर्सी, पुस्तक। फिर सेकंड देखिए स्थान, तो स्थान में क्या हो गया, मेरठ, कानपुर और दिल्ली। प्राणी में किसका नाम आ जाएगा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। भाव में हंसी, बचपन और गहराई। तो ये आपका पाठ यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम आपको अगला पाठ लेके आएंगे। थैंक यू।